नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। कुछ दो पांच सात लोगों ने क्वेश्चन किए थे, आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज नए टॉपिक पे जानकारी मिलती रहे। प्रदीप भादरवाज बोलते हैं, नमस्कार सर जी, आजकल वीडियो मलेशिया पे वीडियो बनाना कम कर दिया। बिल्कुल भाई, मलेशिया पे पहले अपना चैनल मलेशिया से रिलेटेड था, धीरे धीरे इसको बढ़ा के ऑल ओवर कंट्रियों से रिलेटेड कर दिया। तो दूसरी बात, मलेशिया से जितने लोगों की इंक्वायरी होगी उतना ही अपन वीडियो बनाते हैं। लगभग वीडियो मैं बना चुका हूँ, लगभग मेरे हिसाब से 100-125 वीडियो मलेशिया से रिलेटेड बन चुके हैं। तो अभी अपने पास टॉपिक धीरे धीरे आते हैं, बना लेते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो बनते हैं लेकिन जितना है उतना ही बनाते हैं, बाकी दूसरी कंट्रियों पर भी ध्यान देना पड़ता है। विपिन बॉबी बोलते हैं, सर स्टडी ख़त्म होने के बाद वहाँ पे वीज़ा बढ़ सकता है क्या? भाई, स्टडी ख़त्म होने के, अगर आपका वीज़ा स्टडी का ही है तो वीज़ा कैसे बढ़ जाएगा? आपकी स्टडी ख़त्म हो गई, वो तो कॉलेज वीज़ा प्रोवाइड कराएगी ना आपको, तो वो वीज़ा तो फिर बढ़ाने का चांस नहीं होता। वो तो वर्क परमिट वीज़ा आपको लेना होता है, वो अलग प्रोसेस होता है। अगर स्टडी मान लो आपकी 5 साल की है तो स्टडी आपकी ख़त्म हो गई तो वीज़ा बढ़ने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो स्टडी वीज़ा है। स्टडी आपकी ख़त्म हुई तो वीज़ा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, तो नहीं बढ़ पाता। जयनारायण जांगरा बोलते हैं, सर जी नमस्कार, जो विजिट वीज़ा में मलेशिया जाकर शादी कर लेते हैं क्या वो लीगल होते हो जाते हैं या नहीं? भाई देखिए, मैं बता दूं आपको कि शादी करने का लीगल इलीगल से कोई वास्ता नहीं है मलेशिया में, ठीक है। वहाँ पे आपने मान लीजिए 15 दिन के वीज़ा में गए, आपने शादी कर ली, तो लीगल कैसे हो जाओगे? आपका वीज़ा 15 दिन का ख़त्म हो गया तो आप शादी करने से क्या लीगल हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। लीगल होने के लिए तो आपको 100% वीज़ा श्योर करना पड़ेगा, आपको वीज़ा यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, या वहाँ पे अगर आपका होता है तो अप्लाई करना पड़ेगा। शादी करने से आप लीगल नहीं हो पाओगे, ये बात नोट कर लेना आप, ठीक है भाई। जस सिद्धू बोलते हैं, सर मैं मलेशिया में 5 साल से हूँ, प्लांटेशन परमिट में हूँ, क्या मैं कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नेम शेरी। भाई देखिए, मैं बता दूँ, आप 5 साल से प्लांटेशन वीज़ा में जॉब कर रहे हो वहाँ पे, और अगर आप कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो कन्वर्ट नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका वीज़ा आज एक्सपायर हो रहा है, उससे महीने दो महीने पहले आप वहाँ पे अप्लाई करें, वो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा आप वहाँ पे इमिग्रेशन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके हिसाब से अगर होता है तो वहाँ होता है, बाकी आपको पता ही है कि मलेशिया का तो रूल और रेगुलेशन क्या है। अभी जो रूल बन रहे हैं अप्रैल से, उसके हिसाब से आप वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा। ये नहीं कि वीज़ा मान लीजिए कि 1 साल का है, 6 महीने हो गए, आपको 6 महीने का वीज़ा पड़ा है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। वो 1 साल का वीज़ा आपको ख़त्म करने के बाद आप दूसरा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें आपका वो हो सकता है। आगे एक भाई बोलते हैं, मलेशिया का फिंगर नहीं खुला हुआ है, क्या खुलेगा सर जी बताइए? रमेश जी बोलते हैं, भाई मलेशिया का तो यार फिंगर की तो क्या बताएं, मलेशिया का तो सिस्टम ही बड़ा गंदा हो गया, इसीलिए तो भाई अब वीडियो में इंक्वायरी देना भी, अब क्या वही बात है लोगों को, सर जी रिपीट टू रिपीट काम नहीं हो पा रहा है। इमिग्रेशन फिंगर का रिलेशन से बात करें तो भैया कम से कम 30 अगस्त को बंद हुए थे, तो जोड़ लीजिए कितना टाइम हो गया, 7-8-9 महीने के करीब अपना होने जा रहा है। अभी तक ये जो क्या बोलते हैं स्पेशल पास आउट पास अभी तक बंद है, कोई भी समाधान नहीं हुआ। लोगों ने सोचा था कि दिसंबर में होगा, फिर जनवरी बोला, फिर फरवरी बोला, मार्च बोला, अप्रैल भी आ गया, 7 अप्रैल को भी बोला सर स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों ने भी बोला, हमने भी बताया, लेकिन भैया अभी तक कुछ नहीं हो पाया और अभी तक कोई अपडेट है भी नहीं। ये भी बता दूं मैं कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है। डॉक्यूमेंट ज़रूर वहाँ पे लोग बोलने लग रहे हैं, तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट लगवा सकते हो अगर लगवाना चाहो, बाकी तो इम्पॉसिबल है। स्पेशल पास अगर होता है तो स्पेशल पास का बहुत खर्चा पड़ जाता है, आपको पता है कि 3,000-4,000 रिंगिट, लगभग 2 से 3,000 खर्चा आराम से बंदे का आ जाता है। तो उसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ, बाकी भैया फिंगर वाला चांसेज अभी नहीं है। स्पेशल आउट पास तो भूल ही जाओ, आउट पास नहीं लग रहे, आउट पास लगते तो बंदे आ ही जाते ना। तो साथियों, ये आपके क्वेश्चन थे, मैंने आंसर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।